रहमतुल्लाही व बरकातहू। नाज़रीन एक बार फिर कयामत की निशानियां एपिसोड लेकर हाजिर हैं और मुहर्रम उल हराम का महीना स्टार्ट हो चुका था। नाज़रीन सेकंड मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन था जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में पहुंचे। आजमाइशों और मुसीबतों का सफर शुरू हो चुका था कि अमर बिन साद अपना लश्कर लेकर इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में आ गया। सबसे पहले उसने दरियाए फुरात पर 500 सवार खड़े करके साकिये कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया। इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्ने साद को बुलाकर समझाया कि वो गलत कर रहा है। अब इसका असर क्या हुआ कि इब्ने साद ने एक सुलो आमेज खत इब्ने ज़ियाद को लिखा कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते हैं कि या तो मुझे वापस जाने दिया जाए या यजीद के पास ले चलो या किसी इस्लामी सरहद पर चला जाऊं। हालांकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद पलीद के पास जाने को हरगिज ना फरमाया था, जबकि इब्ने साद का खत जब इब्ने ज़ियाद ने पढ़ा तो पहले मान गए कि ठीक है, लेकिन यहाँ एक और बदबख्त और जालिम शख्स शिमर मौजूद था। उसके भड़काने पर इब्ने ज़ियाद को जवाब लिखा कि देख हुसैन से मेरी फरमा बरदारी के लिए कहे, अगर मान ले तो यहाँ भेज दे वरना उन्हें और उनके साथियों को कत्ल कर दे। अगर तू हमारा हुक्म मानेगा तो तुझे फरमा बरदारी का इनाम मिलेगा वरना हमारा लश्कर शिमर के लिए छोड़ दे। ये दिन था नाजरीन 9 मुहर्रम उल हराम का। जरा सोचिए इस काफिले को खत लिखकर बुलाया गया था, मोहब्बतों से मेहमान बनने के लिए बुलाया गया था, अब पानी भी बंद कर दिया गया। ये लड़ने तो नहीं आए थे, इमाम हुसैन तो बार बार कहते रहे कि मुझे वापस भेज दो, मुझे तो खत लिखकर बुलाया गया, मैं वैसे नहीं आया। मगर उन जालिमों ने ना वापस जाने देना था ना पानी पिलाते थे। और अब 9 मुहर्रम उल हराम का दिन आ गया। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये देखा कि अब ये बिल्कुल हमले की तैयारी में है, तो अब इमाम हुसैन ने क्योंकि एक दिन जुमा था अगला दिन, उसका ख्याल और अपने लवाहिकीन को पसमानदों को वसीयत भी करनी थी। इस पर्पस के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे एक रात की मोहलत ले ली, एक रात की डेडलाइन ली। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने अहले खाना और साथियों से फरमा रहे थे, सुबह हमें दुश्मनों से लड़ना है, मैंने अपनी खुशी से तुम सबको परमिशन दे दी है कि अभी रात बाकी है, जहां जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह पाक तुम सबको जजाए खैर दे, देखो चले जाओ यहां तक के अल्लाह ताला बला टाले, दुश्मन जब मुझे पाएंगे तो तुम्हारा पीछा ना करेंगे, ये मेरी खून के प्यासे हैं, मगर आपको छोड़कर जाने के लिए कोई भी तैयार ना। ये वफादारी की वो अजीम रात थी कि उन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम हम हरगिज ऐसा ना करेंगे, बल्कि अपनी जाने अपने बाल बच्चे आपके कदमों पर फिदा कर देंगे, आप पर कुर्बान होकर मर जाएंगे, अल्लाह इस जिंदगी का बुरा करे जो आपके बाद हो। नाज़रीन ये भी तो कलमा गो थे, ये भी तो नबी पाक के उम्मती थे, मगर क्या इश्क अहले बैत था कि हुजूर आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, आपके कदमों पर हमारी जाने कुर्बान। और एक वो कलमा गो थे जो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले तो थे मगर जो यजीद के पैरोकार थे। पैसा था उनके सामने, इक्तदार का नशा था, लालच का पर्दा था, वो ये नहीं सोच रहे थे कि हम जहन्नम का सौदा करने जा रहे हैं। 9 मुहर्रम की रात दुआओं में इल्तिजाओं में सजदों में गुजर गई। अब 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। इमाम को अपने 72 साथियों यानी 32 सवारों 40 पियादों का लश्कर अब तरतीब दिया जा रहा है। इन 72 लोगों के पास सवारी भी सबके पास नहीं थी, ओनली 30 सवारियां थी और बाकी तकरीबन 40 लोग पैदल थे। और अब ये लश्कर जो है वो गोया तरतीब दिया जा रहा है और ऊंटनी पर सवार होकर इतमाम हुज्जत के लिए, यानी कल यजीदी ये ना कहें कि हमें तो मालूम ही नहीं था, हमने तो ये सब गलती में कर लिया है। आपने दुश्मन के लश्कर से फरमाया, लोगों मेरी बात गौर से सुनो और जल्दी ना करो, अगर तुम इंसाफ करो तो सादत पाओगे, वरना अपने साथियों को जमा करो और जो करना है कर गुजरो, मैं मोहलत नहीं चाहता, मेरा अल्लाह जिसने कुरान उतारा और जो नेकों को दोस्त रखता है वो मेरा कारसाज है। जरा मेरा नसब तो बयान करो और सोचो तो मैं कौन हूं, क्या मेरा कत्ल तुम्हें रवा हो सकता है यानी तुम्हारे लिए जायज हो सकता है, क्या मैं तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम का नवासा नहीं, क्या तुमने ना सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई को फरमाया कि तुम दोनों जवानाने अहले जन्नत के सरदार हो, क्या इतनी बात तुम्हें मेरे कत्ल से रोकने के लिए काफी नहीं, खुदा की कसम मेरे सिवा रूए जमीन पर किसी नबी का कोई नवासा बाकी नहीं है, मैंने कौन सा तुम्हारा कोई आदमी मारा है या माल लूटा है, किसी को जख्मी किया है, आखिर मुझसे किस बात का बदला लेना चाहते हो।
अगर कोई आंसर ना आया तो फरमाया कि मैं अपने और तुम्हारे रब अज़्ज़वजल की पनाह मांगता हूं, और ये फरमाकर आप ऊंटनी से उतर आए। जरा सोचिए तो सही नाजरीन, इस खुतबे के बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी सुनते हैं, मगर लालच क्या कुछ इंसान से करवाती है। अब शकी इब्ने साद ने अपने नापाक लश्कर को इमाम मजलूम रदियल्लाहु तआला की तरफ हरकत करने का कहा। हुर ने कहा कि तुझे अल्लाह की मार, क्या तू उनसे लड़ेगा? कहा लड़ूंगा। कहा वो तीन बातें जो उन्होंने पेश की थी तुझे मंजूर नहीं? कहा मेरा इख्तियार होता तो मान लेता। अब हुर मजबूर हो गया और मजबूर होकर लश्कर के साथ इमाम रदियल्लाहु तआला की तरफ बढ़ा, मगर यूं के बदन कांप रहा था। बोले मैं सोचता हूं कि एक तरफ जन्नत के खुश रंग फूल खिले हुए हैं और एक जानिब जहन्नम भड़कते हुए शोले बुलंद हो रहे हैं। ये कहकर घोड़े को उसने एड़ी दी और इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हो गया और हाजिर होकर अर्ज करता है कि हुजूर, बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपका गुलाम बनकर और मैं आपकी बारगाह में अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ सकता। ये ऐसा टर्निंग पॉइंट था हुर का कि वो बाद में हजरत हुर रदी अल्लाह तआला कहलाए। वो शायर कहते हैं ना, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। एक डिसीशन था जो ले लिया गया, आज रहती दुनिया उनको इज्जत से याद करती है। कहां गए वो यजीदी इब्ने साद और वो सारे बदबख्त जिन्होंने ये काम किया था, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बहरहाल यजीदी लश्कर से जियाद का गुलाम यसार और इब्ने जियाद का गुलाम सालिम मैदान में आए और अपने मुकाबले के लिए बुलाने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कल्बी रदी अल्लाह तआला सामने आए और इन दोनों को मट्टी में मिला दिया। ये सिलसिला चलने लगा, इनमें से जो सामने आता उसका काम तमाम हो जाता। ये हालत देखकर अमर बिन अल हज्जाज चिल्लाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे सामने वो बहादुर हैं जिन्हें मरने का शौक है, इनमें से एक एक से मत लड़ो। इब्ने साद ने यह राय पसंद करके लोगों को अकेले लड़ने से रोक दिया और फिर अमर बिन हज्जाज ने फुरात की तरफ से हमला किया जिसमें इमाम के एक साथी शहीद हुए। फिर इब्ने साद ने 500 तीर अंदाज भेजे। अब तीन दिन के प्यासों पर तीरों की बारिश शुरू हो गई, वो तीर भी अहले बैत के शेरों का कुछ ना बिगाड़ सके। जब इब्ने साद ने यह हाल देखा कि सामने से जाने की ताकत नहीं है तो दो लश्कर भेजे वो दाएं और बाएं से हमला करें, मगर दोनों तरफ इमाम के कुछ साथी बैठे थे जो सामने आता उसको मार देते थे। ये देखकर इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनके घरों को आग लगा दो, जो खेमे थे ना उसको आग लगा दी जाए। इमाम ने फरमाया जला लेने दो, जब आग लग जाएगी तो उधर से हमला ना हो सकेगा। जंग चल रही थी और हजरत हबीब बिन मुदाहिर और हजरत हुर रदी अल्लाह तआला भी शहीद हो गए। हजरत हुर रदी अल्लाह तआला की शहादत के बाद सख्त लड़ाई शुरू हो गई, दुश्मन कटते जाते और आगे बढ़ते जाते, यहां तक कि इमाम रदी अल्लाह तआला के करीब पहुंच गए और दुश्मन की तरफ से तीरों की बारिश और तेज कर दी गई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के कई साथी शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर गए थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के साथियों ने देखा कि अब इनमें इमाम रदी अल्लाह तआला की हिफाजत की ताकत ना रही तो शहीद होने में जल्दी करने लगे कि कहीं हमारे जीते जी इमाम आली मकाम को कोई सदमा ना पहुंचे। यहां तक कि इमाम रदी अल्लाह तआला के वफादार और जानिसार सिपाहियों में चंद रिश्तेदारों के सिवा कोई बाकी ना बचा। इन हजरात में सबसे पहले हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला, जो हम शक्ल मुस्तफा कहलाते थे, देर तक दुश्मनों से लड़ते रहे और उन्हें जेर करते रहे, यहां तक कि एक नेजा आपको भी लगा जिससे आप भी शहीद हुए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम रदी अल्लाह तआला लड़ाई पर गए और शहीद हो गए। अब दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा कर लिया है, उसमें औन बिन अब्दुल्ला बिन हजरत जाफर बिन तैयार और हजरत अब्दुल रहमान व जाफर हजरत अकील के बेटों ने शहादतें पाई। फिर हजरत कासिम हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के साहबजादे शहीद हुए। इस तरह यके बाद दीगरे हजरत अब्बास और उनके तीनों भाई रदी अल्लाह तआला अन्हुम और इमाम रदी अल्लाह तआला के दूसरे साहबजादे हजरत अबू बकर और सब भाई भतीजे शहीद हो गए। अब इमाम मजलूम रदी अल्लाह तआला अलोन अकेले रह गए। खैमे में तशरीफ लाकर अपने छोटे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला को, जो अवाम में अली असगर के नाम से मशहूर हैं, उनको गोद में उठाकर मैदान में लाए। एक शकी ने गोद में ही तीर मारा और इमाम रदी अल्लाह तआला, जिनकी उम्र अभी 6 माह है, उनका खून जमीन पर गिराया और दुआ की इमाम हुसैन ने, इलाही अगर तूने आसमानी मदद हमसे रोक ली है तो अंजाम बखैर फरमा और इन जालिमों से बदला ले।
अल्लाह अकबर, किस कयामत का दर्दनाक मंजर आंखों के सामने है जब बीमार और कमजोर इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बाज दीगर मर्दों के अलावा बाकी कोई ना बचा। तो इमाम मज़लूम रज़ी अल्लाह तआला अपने घर वालों को छोड़कर बेकसी की हालत में, तन्हाई की कैफियत में 3 दिन के प्यासे और हजारों दुश्मन के मुकाबले पर जाते हैं। छोटी बच्चियां और खवातीन अश्कबार हैं। इमाम रज़ी अल्लाह तआला ने बच्चों को कलेजे से लगाकर, औरतों को सबर की तलकीन फरमाकर, आखिरी दीदार दिखाकर मैदान जंग में आप तशरीफ ले जाते हैं। नाज़रीन जरा सोचे ये कैसा मंजर होगा कि इमाम आली मकाम को कोई रिकाब थाम कर सवार करवाने वाला भी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जो साथ मैदान तक चले। हाँ, औरतों की बेकस, औरतों की सिसकियां हैं, बच्चों की आहें हैं, और इमाम मज़लूम रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इमाम रज़ी अल्लाह तआला ने शिमर को खैमा अथर की तरफ बढ़ते हुए देखा तो फरमाया कि खराबी हो तुम्हारे लिए, मेरे अहले बैत से अपने जाहिलों को रोको। अब चार तरफ से इमाम मज़लूम रज़ी अल्लाह तआला का घेरा कर लिया गया। इमाम आली मकाम दाहिनी तरफ हमला फरमाते तो दूर तक निशान ना रहता, बाईं तरफ तवज्जो फरमाते तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाते। वो फौज परेशान हो जाती कि कौन आया है। नाज़रीन ये कोई और नहीं, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का खून था, अल्लाह के शेर की औलाद थी। लड़ाई लंबी हो गई, उस दौरान आपका घोड़ा भी जान से चला गया, फिर आप पैदल लड़ते रहे। जरा गौर कीजिए, आप 3 दिन के प्यासे थे फिर भी दुश्मन कुछ ना कर पा रहा था। जब शिमर खबीस ने यह देखा तो लश्कर को ललकारा, क्या इंतजार कर रहे हो, माद अल्लाह इनको कत्ल कर दो। अब चार तरफ से दोबारा हमला हुआ। एक ने बाएं शाना मुबारक पर तलवार मारी। इमाम रज़ी अल्लाह तआला अब थक चुके हैं, जख्मों से चूर हैं। 33 जख्म नेजे के, 34 घाव तलवार के लगे, तीरों का तो शुमार ही नहीं था। उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। इस हालत में बदबख्त सिनान बिन अनस ने नेजा मारा। आप जमीन पर तशरीफ ले आए और सिनान मर्दून ने खौली बिन यजीद से कहा, माद अल्लाह का सर काट लिया जाए। उसका हाथ कांपने लगा। सिनान ने खुद घोड़े से उतरकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिगर पारे 3 दिन के प्यासे रज़ी अल्लाह तआला को ज़िबह किया और सर मुबारक जुदा कर लिया। इस पर भी सबर ना आया, अभी अदावत की आग न बुझी थी। अहले बैत अली मुरिदवान के खेमों को लूटा, तमाम मालो असबाब और नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादियों का जेवर तक उतार लिया गया। किसी बीबी के कान में एक बाली भी ना छोड़ी। अल्लाह करीम की उन जन्नत के फूलों पर करोड़ा करोड़ रहमतें नाजिल हों कि जिनके सदके दीन अब तक बचा हुआ है। शायर ने पूरे वाक्य को गोया एक शेर में बयान कर दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।